नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, ये बात किसने कहा कि मेरे पापा को खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। जी हाँ, ये वाक्य होता है, ये शब्द होता है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य कौन है? लालू प्रसाद की बेटी है, वही बेटी जिसने लालू प्रसाद यादव को यानी अपने पापा को, लालू यादव को अपनी किडनी दिया था। आज लालू यादव की पटना के भीतर ईडी दफ्तर के भीतर पेशी थी। पेशी के समय जो है पटना के सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता, लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता करीब 24 घंटे पहले, एक दिन पहले, जो पार्टी सत्ता में थी आज विपक्ष में है, और कार्यकर्ता उसी प्रदेश उसी राज्य में उसी राज्य के शासन और प्रशासन के पुलिस के सामने ही अपने मुखिया को यानी लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए सड़कों पर उमड़ गई थी। ईडी दफ्तर के सामने एक मंदिर, उस मंदिर के भीतर लालू यादव की बहुत बड़ी बेटी मीसा भारती बैठी होती है। मीसा जाकर के ईडी दफ्तर में पिता को दवा देकर के आती है और फिर मंदिर में जाकर के बैठ जाती है। खबरें काफी जोरों पे होती है, लालू और तेजस्वी दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी पिता और पुत्र, बाप बेटा, लालू यादव तेजस्वी यादव के दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। यानी क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करके ईडी बिहार के भीतर विपक्ष को सुनने पे लाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसी कोई प्रयास है भी बिहार की राजनीति में, तो फिर क्या तैयारी है आरजेडी खेमे में? पहले उसी रोहिणी आचार्य के बारे में वो जो बोली है, कुछ चीजें पढ़ के बताते हैं कि वो क्या कहती हैं। और इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है, जी हाँ, तो फिर जाकर के कौन होते हैं वो व्यक्ति, कौन वो व्यक्ति है लालू परिवार के भीतर जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इन दोनों को जो है बराबर टक्कर दे सकती है। और इसी बात को जानने के लिए पहले ट्वीट्स के ऊपर देखते हैं और फिर जाकर के जो है कुछ और बातें करेंगे इस वीडियो के भीतर। जी हाँ, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी लगातार सुबह से, जब से लालू प्रसाद यादव पेशी के लिए निकले, वो ट्वीट्स की एक लाइन लगा दी, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठी लालू यादव की बेटी। पहला ट्वीट आता है, निजता की हदें पार, सेम ऑन यू। फिर मेरे पापा को आज अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ जो है सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। गिरगिट किसको कह रही है? अब सबको पता है नीतीश कुमार को कह रही है। फिर सबको पता है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के वो चल फिर नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गिदरों, ये गुदरी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। और उसके बाद रोहिणी आचार्य फिर बोलते हैं जो ट्वीट हम पहले स्टार्ट किया था, अगर मेरे पिताजी को कुछ खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। और हम ये बात कहते हैं कि मार्क दिस ट्वीट्स, कि पापा को खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, इस पे जरा ध्यान दीजिए, इस ट्वीट पे। इसके बाद रोहिणी आचार्य फिर ट्वीट करती है, इन ह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर, सेम ऑन यू, ऑन योर आका। सबको पता है पापा की हालत, किसी के बिना चल नहीं सकते, सहारे के बिना, फिर भी उनके बिना सहायक के उनके गेट के भीतर बैठा घुसा लिया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मिसा दी और उनके एक सहायक को, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। और इसके बाद जो है ट्वीट्स का सिलसिला लगातार जारी रहता है। रोहिणी का अगला ट्वीट आता है, हमारे हीरो हमारे पापा, गरीबों वंचितों शोषित पीड़ितों के महानायक, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अमानवीय कुकृत कर रही है, कौन जान रहे हैं। और फिर जाकर के क्या कहते हैं आखिरी ट्वीट, जब तक ये बात हम आपको बता रहे हैं, बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी है फांसीवादी ताकतें के स्वास्थ्य और उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण जो है बिना किसी सहायक के ही बनत मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे पिता को भी जो है ईडी ने बिना सहायक के ही क्या किया, बिठा रखा है। अब ये सारे ट्वीट्स, इन सारे ट्वीट्स के बाद फिर सवाल वही उठते हैं, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव इन दोनों की गिरफ्तारी का जो है पूरा मन बना लिया है, पूरी तैयारी कर लिया है? जी हाँ, 29 जनवरी लालू यादव की पेशी, 30 जनवरी तेजस्वी यादव की पेशी की तारीख,
और पिता पुत्र की गिरफ्तारी के साथ ही, बाप बेटे की गिरफ्तारी के साथ ही सामान्य तौर पे राजनीति को समझने वाले देखने वाले लोग यही बात समझेंगे कि आरजेडी अब खत्म, चुनाव के भीतर जाएगा कौन, लोगों के बीच वोट मांगेगा कौन, बिहार पार्टी को जो है जोड़े रखेगा कौन, संगठन को चलाएगा कौन, कार्यकर्ताओं के भीतर जोश जगाएगा कौन, ये सारे सवाल उठने लगेंगे। लेकिन फिर वही बात कि आज ईडी दफ्तर के भीतर लालू प्रसाद यादव, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब पहुंचे और सड़कों पर जिस तरह से बिहार के सड़कों पे कार्यकर्ता नजर आए, वही जोश क्या लालू और तेजस्वी के गिरफ्तारी के बाद जब कोई चेहरा नहीं होगा, जब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, तब आरजेडी को क्या मिल पाएगा वो सारे जोश, उन सारे कार्यकर्ताओं का साथ मिल पाएगा इन सारे लोगों को। इन्हीं बातों के बीच फिर एक नाम जुड़ जाता है, रोहिणी आचार्य का। क्या सच में रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी आरजेडी के भीतर सक्रिय भूमिका में आने वाली है, दस्तक उसकी होने वाली है? ये सारे सवाल जो है कोई ऐसे नहीं निर्धार नहीं कर रहे हैं, कोई ट्वीट्स के आधार पर नहीं कह रहे हैं। जब से नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबर पुष्टि हो गई, और इतना ही नहीं परिवारवाद के ऊपर जब लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करके बिना नाम लिए हुए कर्पूरी ठाकुर की स्वामी जयंती समारोह के भीतर नीतीश कुमार एक मंच से जब हमला कर दिया, कटाक्ष किया, कहे व्यंग किया, तो लालू यादव चुप थे, खामोश थे। तेजस्वी यादव भी नीतीश के खिलाफ जो है कुछ भी अपनी जुबान नहीं खोल पाए, क्योंकि वो साथ थे उस समय। लेकिन सीरियल ट्वीट्स यार रोहिणी आचार्य ने, लालू प्रसाद की बेटी, और जोरदार तरीके से नीतीश कुमार को खींचा, सीधा सीधा हमला बोला। लेकिन उस समय गुंजाइश थी संबंधों के सुधरने की, आरजेडी को ऐसा उम्मीद लग रहा था, इसलिए ट्वीट्स उसको डिलीट कर दिया गया। फिर जब फाइनल पलटी मार दिया नीतीश कुमार ने, बीजेपी के पाले में चल गए, तो रोहिणी फिर से ट्विटर पे आ गई, या फिर सिर्फ ट्वीट तक ही नहीं रहा, ट्वीट पहले भी करती रही रोहिणी आचार्य। लेकिन ये बात ऐसा हो सकता है कि जब वो किडनी डोनेट किया था लालू प्रसाद यादव को रोहिणी आचार्य, तो उस समय मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थी। लेकिन सामान्य राजनीति की बात करें या उस घटनाक्रम की बात करें, जब राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं बिहार के भीतर, तो ऐसे समय रोहिणी आचार्य का जो है किसी मीडिया हाउस द्वारा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया जाना एक पहली बार देखा गया है। अब एक भास्कर समूह के एक रोहिणी आचार्य का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, और उसी इंटरव्यू लगा हुआ होता है, उसी इंटरव्यू के भीतर रोहिणी आचार्य ने हर पहलू पे बात की है और राजनीति की बातें हुई है। जी हाँ, अब रोहिणी आचार्य से यह भी पूछा गया उस इंटरव्यू के दौरान कि अगर नीतीश कुमार बिहार में फिर से यानी पलटी मार जाते हैं, फिर लालू यादव के पास आते हैं, तो फिर क्या होगा? अब रोहिणी आचार्य ने कहा, मेरे पिताजी भोलेनाथ हैं, हलाहल जहर अपने कंठ में ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको माफ कर देते हैं। और अगर नीतीश कुमार फिर से अगर आते हैं तो वो माफ कर सकते हैं, फिर माफ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इशारा बहुत बड़ा इशारा होता है जो रोहिणी आचार्य का कहना था, और इस तरह का बयान एक बहुत मैच्योर बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से रोहिणी की तरफ से देना, रोहिणी के मुख से बोला गया, कहीं इस आशंका संकेत संभावनाओं को ताकत दे देता है कि रोहिणी आचार्य शायद, लालू प्रसाद की बेटी शायद बिहार की राजनीति में एक्टिवली काम करते हुए देखी जाएगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर। अब एक और बात आपके साथ कि कुछ समय पहले एक काराकाट, जिसका हम जिक्र करने, एक संसदीय क्षेत्र होता है, और उसी काराकाट कुछ समय गई पहुंची हुई थी वहां रोहिणी आचार्य। जब वो वहां रोहिणी आचार्य गई तो जो वहां पे जो भीड़ उमड़ी, उसके भीतर रोहिणी आचार्य के से सवाल भी भीड़ ने किया, और कुछ ऑफर भी था कि आप काराकाट से क्या आप चुनाव मैदान में आएंगी। अब उस समय रोहिणी आचार्य ने हाँ तो नहीं कहा था, लेकिन ना भी नहीं बोला था। जी, अब ना नहीं कहा अगर उन्होंने तो समय पे उसे टाल दिया, समय के ऊपर छोड़ दिया, क्या वो समय अभी आ गया? और बहुत पुराने रोहिणी से जुड़ा हुआ बिहार की राजनीति और रोहिणी को अगर उसको कनेक्ट कीजिएगा, तो एक बिहार के भीतर एक बहुत बड़े एक जानकार कहते हैं
कि बहुत ही साफ साफ उनका कहना होता है कि अगर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो जाती है तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा अध्याय, नया अध्याय जुड़ सकता है, राजनीति एक नया करवटे ले सकती है बिहार की राजनीति में। क्योंकि उत्तर भारत के भीतर भावनाएं हर जगह होती है, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर, भारत के भीतर, देश के भीतर भावनाओं के ऊपर सियासत होती है। भारतीय जनता पार्टी केवल 10 साल से, एक दशक से भावनाओं के जरिए ही तो राजनीति करते हैं। वो भावनाओं से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर भावनाओं को सम्मान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो अलग अलग लोगों का अपना अपना मानना हो सकता है, लेकिन ये राजनीति पूरा भावनाओं पे चल रही है। उत्तर भारत के भीतर यहाँ पे भावनाओं की राजनीति जो है और ताकतवर हो जाती है और शक्तिशाली स्वरूप उसको दिखता है। और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जब उन्होंने अपने पिताजी को किडनी डोनेट किया था, ध्यान होगा आपको, उसके बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के नाम पर इस भारत देश के बीच में ऐसे आमतौर पर भी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के भीतर हर घर के भीतर हर घर में चर्चा हो रही थी रोहिणी आचार्य की, जब वो डोनेट किया था। देखो लालू यादव की एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को किडनी डोनेट किया, ऐसी बेटी होनी चाहिए किसी को। हर घर में माँ बाप के भीतर एक अलग से भावनाओं का उभार हुआ था, ऐसी संवेदनाओं को टच किया था एक दूसरे को, उसे लोगों की आत्मा तक छुआ रोहिणी आचार्य ने उस एक घटना से। जो गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं फायर ब्रांड रहता है बिहार के, गिरिराज ने ट्वीट करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ट्वीट किया, चाहे भावनाओं से मजबूरी हो गए हो या राजनीतिक मजबूरी रही हो, लेकिन रोहिणी की तारीफ में जो है ट्वीट करने से या बयान देने से खुद को रोक नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता। और यही सारी बातें जो है कन्हैया भिलारी जी, एक बड़े जानकार का भी यही बात कहना था कि अगर रोहिणी मैदान में राजनीति में सक्रिय हो जाती है बिहार के राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी असमंजस की सिचुएशन हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो रोहिणी आचार्य के सामने खड़ी होकर के जो है वो हमलावर होने में बहुत संकटपूर्ण स्थिति में वो हो जाएंगे उस समय। ये बहुत बड़े जानकार का जो कहना था, बार बार रोहिणी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अटैक कर देते हैं रोहिणी आचार्य के ऊपर, उस प्रकार से अगर उसी भाषा में अगर हमलावर हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकता है। तो फिर क्या इस तरह का कोई एक मास्टर प्लान हो सकता है ऐसे समय में जहां पर इस बिहार में सरकार में पलटी मारने के बाद नीतीश कुमार के बिहार के भीतर आरजेडी की तरफ से जो है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव को पूर्ण जोर तरीके से, बहुत जोर तरीके से आगे उनका चेहरा किया जा रहा है। और चाहे वो कहते हैं एक नौकरी देने वाले को, जिसने नौकरी दिया बिहार के भीतर, नौकरी का सारा यानी कहीं से भी इस समय बिहार के भीतर आरजेडी यहाँ पे फ्रंट फुट पे दिखती है, नौकरियां जो बिहार के भीतर मिला है उसका श्रेय जो है तेजस्वी यादव को जा रहा है। तेजस्वी यादव को देने में पार्टी हर प्रकार से जो है विज्ञापन के जरिए हो, चाहे कार्यकर्ताओं के जरिए हो या बिहार के आम लोगों के जरिए हो, इस संदेश को पहुंचाने में लगा हुआ कि नौकरी जो बिहार में बटा है वो तेजस्वी की देन है, नीतीश कुमार की नहीं। और ऐसे समय में अगर रोहिणी आचार्य की भी एंट्री हो जाती है तो वो काराकाट जो सीट होगी, वो काराकाट के सीट पर रोहिणी बार बार जाती रही है, पिछली बार ये सब्जेक्ट जो है काराकाट सीट के ऊपर वहाँ पहुँचना, वहाँ के लोगों से संवाद करना, वहाँ के आम लोगों से बात करना, रूबरू होना, और आज के दौर बिहार के राजनीतिक इन सबको अगर आपस में कनेक्ट कीजिएगा तो आप सोच सकते हैं जो कि क्या हो सकता है। तो क्या आपका क्या राय है, आप अपना राय भी आप पेश कर सकते हैं, क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी है यहाँ पे तय हो गया है, लेकिन ऐसे समय में बिहार की राजनीति में अगर तेजस्वी या लालू यादव की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर ऐसे हालात होते हैं तो फिर क्या हो सकता है बिहार में, आपकी राय जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगी, दीजिएगा जरूर। जय हिंद, जय।